हे एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो फाइनली इट्स ओके। मेरे को लग रहा था कल की तरह कोई टेक्निकल इशू ना आए, क्योंकि हमारे के करंट्स नहीं हो गए, बीरबल की खिचड़ी हो गई है, बन नहीं पा रही है। सो वी हैव टू फिनिश इट एनी हाउ। तो आई रियली वॉन्ट कि सब लोग अवेलेबल हो जाएं और हम लोग जल्दी से आज इसे कवर करें। कई बार कोई चीज़ें ऐसी अटक जाती हैं कि ऐसा लगता है कि ये विदाउट एनी, कहते हैं ना, कि डेडिकेशन कवर नहीं होगी, एक संकल्प लेना पड़ेगा। तो आज संकल्प का ही टाइम है कि बस इसे कंप्लीट करना है। अक्टूबर वाले करंट्स बहुत लंबे चल रहे हैं, डेफिनेटली है भी बड़े, थे भी ज़्यादा, नो डाउट। ओके, मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको प्लस के बारे में बताते हुए, कि प्लस में बहुत सारे एडुकेटर्स हैं। 21 दिसंबर से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 20 इस साल के एग्जाम के लिए भी हैं, अगले साल के एग्जाम के लिए भी हैं, उसके अगले साल के एग्जाम्स के लिए भी हैं। आप जो अपनी ज़रूरत के अनुसार यूटिलाइज करना चाहें उसे कर सकते हैं। अमाउंट इज ओनली 44,000, यानी कि आप मेरे नाम को यूज़ करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। एंड दिस इज माई नेम साहिल, एंड डेफिनेटली साहिल इज ऑन वन। सो आप इसे यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा और मेरी गाइडेंस ऑलवेज आपके साथ रहेगी इस सिचुएशन में। ठीक है, राज मैं क्लास में आ चुका हूँ, राज इज आस्किंग क्लास होगी। चलो, सो मैं जल्दी से आता हूँ उसी करंट्स पे जहाँ से ये क्लास हमारी अधूरी थी, सो दैट हम उसे जल्दी से कवर करें। हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को कंप्लीट कर चुके थे, जीएस 3 हमारा हाफ था, तो इसका एक जल्दी से रिवीजन लेते हैं सो दैट आप लोग रेडी हो पाएं। और इसी का जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, इसी का हमारा एक क्विज होने वाला है, ठीक है ना, हमारा इसी का एक क्विज होने वाला है जो कि है 29 को। सो आप उसके लिए रेडी रहें। जल्दी से मैं देख लेता हूँ कहाँ पर थे हम। मुझे सभी लग रहा है कि मैंने सब पढ़ा दिया है। यहाँ फाइनली जीएस पेपर 3 दिखा मेरे को। यस, यहाँ तक थे हम लोग। रामसर कन्वेंशंस मैंने पढ़ा दी थी, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड मैंने पढ़ा दिया था, जाइंट मीटर वेव मैंने पढ़ा दिया था, नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स भी हो गया था, फिशिंग कैट भी हो गई थी, चिल्का लेक भी हो गया था, रुद्राम ओके, ब्रह्मा कमल भी हो गया था, ज़ॉम्बी फायर्स भी हो गया था, ये सभी हो गए थे, बचा गया है ये तुम्हें सारे लग रहे हैं, सब हो चुके हैं कौन सा बचा है? यस, फाइनली ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट, फाइनली आई गॉट द थिंग कि हाँ हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, मैं खुद कंफ्यूज हूँ लेकिन मेरे को याद आ गया। हाँ जी, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट क्या है? ये ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट, देखो ट्राइबल्स के लिए यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी से, जीएस पेपर 2 सोसाइटी से, सोशल जस्टिस से, कि इंडिया में इवन इकोनॉमी से, इवन इंडिया में ट्राइबल्स के लिए मार्केट करी है इंटरनेट के थ्रू, यानी कि इंटरनेट से आप मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही एम्बिशियस और एक बहुत ही परफेक्ट इनिशिएटिव है ट्राइफेड द्वारा। ट्राइफेड मैंने बहुत बार बताया है, ये बॉडी ट्राइबल्स के लिए काम करती है, जिसका टारगेट है कि भैया 5 लाख ट्राइबल प्रोड्यूसर्स, जो लोग हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स में एक्सपर्ट हैं, उन्हें मार्केट पहुंचाई जाए, उन तक मार्केट पहुंचाई जाए, ठीक है ना, यानी कि कनेक्टिविटी मिले, यानी कि इंडिविजुअल ट्राइबल्स अपना प्रोडक्ट बेच सके अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या कुछ ऐसा सोर्स हो जहां पर वो अपने घर में कोई प्रोडक्ट बनाकर उसे सेल कर पाए। ये सारी चीजें आती हैं हमारी ट्राइब्स ई मार्केट में। तो इसमें इनकी मदद करने में एनजीओस डेफिनेटली हर जगह आगे रहती हैं, गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे आगे आएगी, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज, ये सब आगे आकर काम करेंगी, ठीक है। ये इनिशिएटिव है ट्राइफेड का, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और यहाँ पर जो भी आपको ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्टली अपने मार्केट से आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अगर मैं ट्राइफेड की बात करूँ तो ये एक नेशनल लेवल की बॉडी है, जो कि संगठन जिसका गठन हुआ था 1987 में। इसका जो टारगेट है बहुत साधारण है कि भैया मेरे को सोशल, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना है, ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करना है। तो इस बॉडी को आप याद रखें, जब भी आप ट्राइबल्स की बात करें आंसर लिखें, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें मिलता है नई दिल्ली में, ठीक है। फिर ये प्रोग्राम आया हमारा ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, आई थिंक ये मैंने करा दिया है IMEDX6 बोगोसागर, यस ये मैंने करा दिया। ओके, नाउ
माय गंगा माय डॉल्फिन, मेरी गंगा मेरा डॉल्फिन। हाँ डॉल्फिन पे ले जाओ, कुछ तो छोड़ दो, नाम कितने अजीब अजीब से आते हैं। माय गंगा माय डॉल्फिन। सो बॉस, माय गंगा माय डॉल्फिन कैंपेन क्या है? अभी रिसेंटली नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया माय गंगा माय डॉल्फिन कैंपेन। ओकेजन था भैया डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे। ओके, टारगेट क्या है? देखो, हमारे रिवर गंगा में डॉल्फिन्स मिलते हैं, हमारे रिवर गंगा में डॉल्फिन्स मिलते हैं। ये मेरे जो ऊपर बैठा है, क्योंकि यहाँ पे कहीं होगा, सो ये गंगा में मिलते हैं और लोग, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग इसे देखने आए। तो ये जो अजीब सी शक्ल का डॉल्फिन हमें दिख रहा है, ये हमारा इंडियन डॉल्फिन है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको प्रमोट किया जाए, इसकी फोटो वोटो खींचे, मॉडल्स की तरह जगह जगह ये छपे, ठीक है, डॉल्फिन का सेंसस कराया जाए, डॉल्फिन के लिए टूरिज्म बढ़े, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये करने की कोशिश है माय गंगा माय डॉल्फिन कैंपेन में। ओके, इस प्रोग्राम के अंदर जो है 6 साइट्स पे फोकस किया गया। यहाँ पर आप डॉल्फिन सफारी देख सकते हो। डॉल्फिन सफारी मतलब आपको नाव में बैठा के लेके जाएंगे, डॉल्फिन दिखाएंगे, डॉल्फिन आपकी नाव में कूदेगा, फिर आप उसे देखेंगे, वो आपको देखेगा। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट करने की कोशिश करी गई है। कौन कौन से स्टेट्स में ओवरऑल टारगेट रहेगा? यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। बेसिकली गंगा जहां पे बड़ी है वहां पर, यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल। नाउ अब भैया इसका नाम आया, इसे भी देख लेते हैं, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ये क्या है? देखो यार, ये एक एस्टैब्लिश एज एन अथॉरिटी, ये एक अथॉरिटी की तरह काम करती है अंडर नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा। नेशनल काउंसिल जो गंगा के लिए बनाई गई थी, उसके अंडर में अथॉरिटी के लिए काम, अथॉरिटी की तरह काम करती है। ये एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसका लक्ष्य है कि सरकार कुछ भी अगर करे, ठीक है, कुछ भी करे तो उसे अच्छे से लागू कराए, अच्छे से इम्प्लीमेंट करे। नाउ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में। ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, पूरी तरीके से आजादी से चलता है। इसका हेडक्वार्टर है सॉरी देहरादून में। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य यह है कि वाइल्ड लाइफ रिसर्च करेगा, हर एक उस एरिया में जहाँ बायोडायवर्सिटी है, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनका रिकॉर्ड देगा, ये सारी चीजें करेगा और एक मैनेज करेगा, ठीक है ना, और एक बैलेंस देगा, कंप्लीट बैलेंस देगा यहाँ पर, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नाउ गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, तो भैया ये भी क्या है? गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन क्या है? ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। ये अभी आप लोग के जिस पर डिस्कशन चल रहा है, ये लोग से मार्क कर देता हूँ। नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जो कि मिलता है गंगा में, मेघना नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश के आसपास, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है, यानी कि खत्म होने की बिल्कुल कागार पे है। तो इसकी काफी ज्यादा सुरक्षा बनती है, इसको काफी ज्यादा महत्व देना चाहिए और इसकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। अभी रिसेंटली एक दो रिपोर्ट्स आई, इससे पता चला कि इंडिया सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ही ज्यादा मात्रा में छोड़ता है। तो भैया ये क्या है, इसे जरा देखते हैं। कहाँ गया ये रहा? ग्रीन पीस इंडिया एट द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ठीक है ना, इसने अभी एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका टाइटल था रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड सल्फर डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट। यानी कि कौन से देश में ऐसे हैं, ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जो सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा निकालते हैं, ज्यादा एमिट करते हैं। सो इंडिया टॉप स्पॉट में रहा वर्ल्ड में सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन में, 5वीं लगातार बार। यानी कि 5 सालों से हम देख रहे हैं कि भैया हम सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने इस पे कोई नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करी। हमारे बाद है रशिया और चाइना, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत के शहरों की, तो चेन्नई टॉप पर है जो सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकाल रहा है, ठीक है। अब दिमाग में आएगा कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड है क्या? व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड? क्या है ये और क्यों है ये? है या नहीं है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो सल्फर डाइऑक्साइड ये कलरलेस गैस है, ठीक है ना, एक कलरलेस गैस है। इसमें किसी भी तरीके का कलर नहीं होता, इसकी स्मेल बहुत अजीब सी होती है। ये बनता है जब फ्यूल में से सल्फर निकलता है, लाइक कोल, ऑयल, इनके जलने से निकलता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड तो हम ये भी कह सकते हैं कि व्हीकल से भी निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, थर्मल एनर्जी से भी निकल रहा है। देखो, कोल, ऑयल, जब इन्हें जलाया जाता है तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना है तो हमें हमारी थर्मल एनर्जी
और व्हीकल पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना होगा। ज्यादातर ये जो एमिट होता है ये बड़ी बड़ी ट्रेनों से, लार्ज शिप से, ठीक है, जो कि यूजुअली डीजल इक्विपमेंट्स है उनसे होता है, ठीक है। कई बार वॉल्केनिक इरप्शन से भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एनवायरनमेंट को बहुत बड़े लेवल पे फर्क करते हैं, जैसे कि हमने देखा एयर पॉल्यूशन करते हैं, और यदि एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं तो किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी एसिड रेन भी करेंगे, एसिड रेन। आप जरा ज्योग्राफी की बुक से या गूगल से कहीं से भी पढ़ना एसिड रेन क्या होता है और मुझे बताना कि सर एसिड रेन ये होता है। आई रियली वॉन्ट टू नो कि एसिड रेन क्या होता है। 50% ऑफ ऑल थ्रेबस हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। यस सूरज, दिस इज राइट, दिस इज अ ट्रू फैक्ट। ओके, नाउ कम टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, सो न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी रिसेंटली इसके कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अप्रूव हुए, इंडिया ने भी इसमें काफी पैसा दिया, ठीक है ना। न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बैंक इंपॉर्टेंट है। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, यानी कि काफी सारे देशों को मिला के बना। इसे ऑपरेट करते हैं ब्रिक्स स्टेट, यानी कि जो देश ब्रिक्स में है वही इसे ऑपरेट करते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बैंक बनाया गया था 2015 में, बैंक बनाया गया था 2015 में। इस बैंक को सेटअप करने के पीछे जो लक्ष्य था कि हमारे विश्व में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसे क्रिएट किया जाए, स्पेशली ब्रिक्स देशों में। देखो ब्रिक्स देश एक इमर्जिंग मार्केट है, तो वहां पर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि लोन दिया जाए, डेवलपमेंट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। लेकिन इसने फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट्स को भी हेल्प करना शुरू कर दिया था बाद में। अगर मैं 2018 की बात करूं तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, यानी कि 2018 में इसका ओहदा बहुत बढ़ चुका था। और तो और अब ये काफी सारे देशों को भी हेल्प करता है, और इसके अंदर सब इक्वल हैं, कोई भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है, यानी कि ब्रिक्स के जो देश हैं किसी के पास भी वीटो पावर नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये बैंक अपने रिसोर्सेस को मोबिलाइज करता है, यूज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ब्रिक्स देशों में, ठीक है, अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर CRISPR टेक्नोलॉजी। इसको मैंने स्पेशली पूरा समझाया था, मैंने ये खतरा लेने की कोशिश करी थी साइंस एंड टेक पढ़ाने की, चलो लेकिन यहाँ जितना उतना मैं करा देता हूँ। ओके, नोबेल प्राइज अभी दिया गया जो कि मिला है फ्रेंच अमेरिकन ड्यूक, यानी कि एमैनुअल कारपेंटियर है, चारपेंटर, ओके, एंड जेनिफर दाउदना, इन दो को मिला है, ठीक है, 2020 का नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए। इन्होंने कट पेस्ट जो कॉन्सेप्ट था जेनेटिक सीक्वेंस को, उसे बेहतर करके दिखाया, यानी कि साइंटिस्ट को एक ऑप्शन दिया कि कट पेस्ट यानी कि बॉडी के अंदर किसी जीन्स को कैसे निकालते हैं, दूसरा कैसे फिट करते हैं, ठीक है। क्रिस्पर क्या है? इसकी फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये 2012 में आ गया था, इसकी रिसर्च को कंप्लीट किया है इन्होंने, ठीक है। क्रिस्पर हमें हेल्प करता है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग क्या होती है? सपोज आपकी बॉडी में एक छोटा सा जीन्स है जो कोई ना कोई प्रॉब्लम कर रहा है, तो जीन एडिटिंग का मतलब है इस जीन को निकाल कर कोई नया जीन फिट कर देंगे और आप बड़े सिंपल खुशी से इंजॉय कर सकते हैं कि हाँ मेरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। ओके, ये टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल वे में वर्क करती है, यानी कि ये लोकेट करेगी स्पेसिफाइड एरिया की जहां पे जीनेटिक प्रॉब्लम है, यानी कि जहां पे भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, फिर उसे डायग्नोस करेगी, डायग्नोस करके रिप्लेस करेगी और एक नया और करेक्ट सीक्वेंस पे जीन्स को सेट कर देगी। तो ये बड़े स्टाइलिश चीजें हैं, ठीक है। एंड आरएनए मॉलिक्यूल इस प्रोग्राम, यानी कि आरएनए मॉलिक्यूल की मदद से लोकेट किया जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम क्या है, डीएनए स्ट्रैंड्स क्या है, इन सारी चीजों को। स्पेशल प्रोटीन एक आता है जिसका नाम है CAS9, जो कि हेल्प करता है एज अ जेनेटिक सीजर, यानी कि काटने में हेल्प करता है। CAS9 काटने का मतलब जीन्स काटने में, ठीक है ना, ठीक है, लोग बोलते हैं सबका कट रहा है, सबका कट रहा है, वो वाला काटना नहीं, जेनेटिक सीजर है, ठीक है। ब्रेक एंड रिमूव द प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस। आई थिंक इस टॉपिक को हमें रिवाइज करना होगा एक आध दिन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कराया हुआ है, मैं कोशिश करूंगा छोटा सा रिविजन दे दूं इस टॉपिक का। ओके, और क्या क्या है? देखो ये है, जैसे ये जीन्स की आपकी कोई इश्यू आ रहा है, यहाँ छोटा सा एक इश्यू है, तो वहां पे एक नया जीन सेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे साइंटिस्ट, तो ये एक अच्छी चीज है।
चलो, सो दे आर एक बहुत, जैसे किसी को बीमारी हो, ये पता न्यूज में आया था, चाइना में क्या हुआ था, एक माँ बाप थे, दोनों को एचआईवी था, एक माँ बाप थे, दोनों को एचआईवी था, बच्चा पैदा होने वाला था, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसमें जीन एडिटिंग कर दी, यानी कि जो एचआईवी का जीन था उसे निकाल दिया। तो ये एक अच्छी चीज थी कि वो बच्चा एचआईवी के बिना पैदा हुआ, ठीक है। तो एज इस चीज को देखी जाती है, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप उस वाले जीन्स को हटा सकते हैं जो डिफेक्टेड है, और एक अच्छा जीन्स वहां पे लगा सकते हैं। फिर हमारा आता है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। अक्टूबर में नोबेल प्राइजेस हमें बहुत सारे मिले थे फिजिक्स के लिए। सो किसे मिला है, किसे मिला है? रॉजर पेनरोज, ठीक है, रिनहार्ड गैंजल एंड एंड्रिया गैस, इन तीन व्यक्ति को मिला है ब्लैक होल को समझने के लिए और समझाने के लिए, ठीक है, ब्लैक होल को समझने के लिए, समझाने के लिए। इनका कहना है कि एक ब्लैक होल बनता है जब स्टार्स कोलैप्स करते हैं और एक स्पेस सा बन जाता है यूनिवर्स में, जिसकी एक स्पीड देखी जा सकती है। अगर मैं बात करूं और ज्यादा चीजों के बारे में, सो इसकी जो एस्केप वेलोसिटी है, ये इसकी स्पीड बताती है कितनी स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार चलती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लाइट बाहर नहीं जा सकती ब्लैक होल से, इसलिए ब्लैक होल्स इनविजिबल है, इसलिए देखा नहीं जा सकता। बेसिक फैक्ट्स है ब्लैक होल्स के बारे में, दिस नथिंग बिग, जो नाम इंपॉर्टेंट है वही करंट का चीज है, बाकी नहीं, ठीक है। फिर हमारे हैं नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। So, ये मिला है अमेरिकन हार्वी जे ऑल्टर, इनके नाम को प्लीज याद रख लेना, चार्ल्स एम राइस, ब्रिटिश साइंटिस्ट, मिशेल हंगस्टन। इन्होंने ढूंढा हेपेटाइटिस सी वायरस। हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके के हेपेटाइटिस होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। एक जॉन्डिस जो फेमस हेपेटाइटिस है, वो भी एक तरीके का बीमारी ही है, एक तरीके की बीमारी का बीमारी ही है, ठीक है ना। इन तीनों ने बताया कि कैसे हेपेटाइटिस एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, ठीक है। इन्होंने एक ये भी बनाया कि ड्रग भी बनाया जो कि डिटेक्ट कर सकता है हेपेटाइटिस सी को। सो हेपेटाइटिस सी है क्या? ये एक लिवर डिजीज है, ये लिवर का कैंसर भी कर सकती है, ये एक ब्लड बॉर्न वायरस है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, WHO की माने तो तकरीबन 78 मिलियन पीपल, ठीक है, इंडिया में हेपेटाइटिस सी से इंफेक्टेड है। तो यानी कि इनकी डिस्कवरी इंडिया में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। पांच मेन हेपेटाइटिस वायरस मिलते हैं, ABCDE। जो ए और ई हैं, ये होते हैं इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड, यानी कि जब आप कोई गलत खराब पानी, नाली वाली का पानी पी लो, जब आप गोलगप्पे खा के आओ बाहर और वो गोलगप्पे नाली के पानी के बने हो, तो आपको हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई हो सकता है, जो कि जॉन्डिस होता है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी सी डी यूजुअली तब होता है जब पेरेंटल, ठीक है, जब आप किसी इन्फेक्टेड फ्लूइड से आए या किसी को बीमारी है उसे टच में आए, तब आपको होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। चलो, नाउ कम टू द सोफिया। ये सोफिया कौन है? ये सोफिया कोई लड़की नहीं है, सोफिया एक हवाई जहाज जैसा कुछ दिखने वाली चीज है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है जो हवा में उड़ रही है, ठीक है। इसे बनाया गया है नासा और जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा। इसका काम है कि इसके अंदर बहुत सारे टेलीस्कोप लगे हैं और चलती फिरती स्पेस एजेंसी सी है, यानी कि इसके अंदर आप बहुत कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके अंदर पूरी लैब्स बनी हुई है। अच्छा, मैंने इसकी इंटरनल फोटो नहीं डाली है, मैंने खुद ढूंढी थी, बड़ी अच्छी थी। यानी कि एक प्लेन है जिसके अंदर टेलीस्कोप लगा हुआ है और बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ ये उड़ा है। ये रिसर्चर्स को एक एडवांटेज देता है कि वो इंफ्रारेड की मदद से यूनिवर्स को पूरा देख सकें। ये देखिए इंफ्रारेड कैसे निकल रही है, एनर्जी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, यानी कि और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का मौका देता है, ठीक है। सोफिया ने अभी कंफर्म किया पहली बार कि पानी है या पानी जैसा कुछ देखा गया है चांद पर। अब पानी है तो हम वहीं जाके बस बॉटल और बर्फ लेके जाएंगे लोग, तो पार्टी वहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्लांट। इससे तो मैं भी बोर हो चुका हूँ लिटरली, इस वाले जो कंटेंट है, आई रियली वॉन्ट टू एंड इट, ठीक है। श्री साइलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या है ये, कैसे है? देखो, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि बनाया गया कृष्ण नदी पे, जो कि कर्नूल और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के बीच में है ये,
एक डैम है जैसे देख सकते हो, काफी खूबसूरत सा डैम दिख रहा है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम का मतलब होता है, मैसोनरी डैम का मतलब होता है कि ये जो पत्थर लगाए जाते हैं इतने हैवी लगाए जाते हैं कि पूरे पानी का वेट उठा ले, यानी कि इन पत्थरों के बेसिस पे बना हुआ है ये डैम, इसलिए इसे ग्रेविटी डैम कहते हैं। ठीक है, देखो, कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट और स्टोन मैसोनरी, ये प्रेशर यूज करता है, लाइक वेट के प्रेशर को यूज करता है पानी को रोकने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इवन भूकंप के टाइम पर भी ये नहीं ब्रेक होता है, भूकंप के टाइम पर भी ये ब्रेक नहीं होता है। दैट्स द ग्रेविटी डैम। नाउ न्यू रामसर साइट, रामसर साइट्स बहुत सारी आती हैं, इवन कल भी एक रामसर साइट सेलेक्ट हुई है। कबरतल वेटलैंड जो कि बिहार में है, और असन कंजर्वेशन रिजर्व जिसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उत्तराखंड में, दोनों को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। अब इस समय मिलाकर 39 साइट्स हैं, अभी 39 नहीं रही, कल परसों में एक आध और ऐड हुई है, तो हमारी ये साइट्स बढ़ गई हैं, हमारी ये साइट्स बढ़ गई हैं। अगर मैं कवरतल वेटलैंड की बात करूं, इसे कन्वर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हमारी इंडो गैंजेटिक प्लेन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। ये एक वैल्यूएबल साइट है फिश बायोडायवर्सिटी को लेकर, यहाँ पे 50 से ज्यादा फिशेस की स्पीशीज हमें देखने को मिल जाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर है, यानी कि बहुत सारी एशियन फ्लाईवे, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आके रुकती हैं, आराम करती हैं, ठहरती हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, 5 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि यहाँ पे मिलती हैं, दैट इज वल्चर्स, अलग अलग तरीके की वल्चर्स लाइक रेड हेडेड, वाइट रम्प्ड, ये सब हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ के जो बैर हैं, जो भालू हैं, उनकी भी पोचिंग होती है। अगर आसन की बात करूं, इसे हमने लास्ट क्लास में रिवाइज किया था, यमुना नदी उत्तराखंड पे है। ठीक है ना, उत्तराखंड का ये पहली रामसर साइट है। 330 स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पर भी वल्चर्स मिलते हैं, 49 फिश स्पीशीज भी यहाँ पर हैं। रामसर कन्वेंशन का एक बार फिर से रिवीजन आ गया, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, 1971 में बनाई गई थी ईरान के शहर रामसर में, 1 फेब 1982 को। इसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ये कोशिश करता है जो भी वेटलैंड पूरे वर्ल्ड में, जो भी वेटलैंड पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनली, उसको सुरक्षा दी जाए। ठीक है, उसको कंजर्व किया जाए, उसको अच्छे से यूज किया जाए, प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए, वो चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, गवर्नेंस का भी टॉपिक बन सकता है एंड ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का भी बन सकता है। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप क्या भाई, जो जून 2010 में टोरंटो समिट हुई थी, वहां पर G20 एंटी ग्रुप को बनाया गया था, एंटी करप्शन ग्रुप को। भैया इसका काम है कि ये अपडेट करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा कि G20 जो एक्शन हमारा प्लान है वो प्रॉपरली चले, यानी कि G20 लीडर्स को बताएगा कि कौन कौन से देश किस तरीके से चल रहे हैं, किसी तरीके से करप्शन तो नहीं हो रहा है, रिवेन्यू का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, ये सारे काम है इसके। न्यूज में क्यों था, हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह पहली मीटिंग को, अभी G20 एंटी करप्शन की मीटिंग को इन्होंने संबोधित किया। इस मीटिंग को होस्ट करने वाले थे सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया इस समय प्रेसिडेंट भी है G20 की, जो कि पहली ऐसी अरब देश है जो G20 की प्रेसिडेंटशिप लेकर बैठी है। नाउ कम टू द G20 क्या है। देखो G20 के सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेंबर्स। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको लगता है इसके अंदर 20 मेंबर हैं। आंसर इज नो, इसके अंदर 20 से ज्यादा मेंबर्स हैं। कैसे, देखो 19 देश तो ये रहे, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, बाकी एक जो देश है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन कोई देश नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ऑलरेडी यूरोप के देश है, यानी कि यूरोपियन यूनियन प्लस 19 है, यानी कि 19+1 है, ये 20 के 20 नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज की है, यानी कि 20 मेजर इकोनॉमीज की है, 19-19 में से बनाया गया, भारत इसका भाग है। इसका टारगेट है रिव्यू करें पॉलिसीज को, डिसीजंस लें इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में, कि यानी कि हम इंटरनेशनल में, यानी कि पूरे समाज में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रख पाए। नाउ ग्रीन दिल्ली ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप ये क्या है, टू कीप अ चेक ऑन राइजिंग। देखो हमारे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उस पॉल्यूशन को, इस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल रखने के लिए, उसे चेक करने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया ब्रिंग पॉल्यूशन, सॉरी ग्रीन दिल्ली ऐप, यानी कि जो हमारे यहाँ पॉल्यूशन हो रहा है उसे कम किया जाए। इसमें क्या होगा, यदि आपको कोई व्यक्ति दिखता है कि आंख जला के बैठा है या कुछ
पॉल्यूट कर रहा है, तो वहां पर आप सीधे सीधे उनकी फोटो खींच के वीडियो बना के इस ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। देन इस ऐप के जरिए सरकार अपने आप वहां तक पहुंचेगी, उनसे सजा देगी, जो भी है करेगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपको गार्बेज या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन करता दिख रहा है, नेगेटिव करता दिख रहा है, तो आप इसमें कंप्लेन डाल सकते हैं। दिस इज अबाउट ग्रीन डेली ऐप। नाउ ओलिव रिडले टर्टल्स बहुत फेमस टर्टल्स हैं, यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी इस पे एक बार पूछ चुका है। उड़ीसा के कोस्ट पे ही हमें मिलते हैं और न्यूज में क्यों है जरा देखते हैं। साइंटिफिक नेम है इनका लैपिडोशे ओलिवेसिया, कॉमन नेम ओलिव रिडले या पैसिफिक रिडले। कहाँ पे मिलते हैं? वार्म वाटर्स में, गर्म पानियों में मिलते हैं, पैसिफिक ओशियन के, अटलांटिक में और इंडियन ओशियन में। ठीक है, ये अपनी ज्यादातर लाइफ ओशियन के बिल्कुल नीचे बिताते हैं। लेकिन ओलिव रिडले टर्टल्स बहुत बार फेमस है क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे, ये देखो ओडिशा के कोस्ट पे यानी कि ओडिशा के समुद्री तट पे, ठीक है, समुद्री तट पर ये आते हैं और बहुत बड़े लेवल पे नेस्टिंग करते हैं। नेस्टिंग मतलब बच्चे पैदा करते हैं, यानी कि इन्हें तभी देखा जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ? मैक्सिको और कोस्टा रिका में भी ऐसा देखने को मिलता है। यही एक कारण है ओलिव रिडले टर्टल्स इज वेरी फेम आर वेरी फेमस। सो ओलिव रिडले टर्टल्स, ठीक है, ये कजन कहला जाते हैं कैंप रिडले टर्टल्स के, फालतू की बात है। फेमस है यूनिक मास नेस्टिंग की, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, जिसे कहते हैं अरीबडा। अरीबडा ये टर्म याद रख लेना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल में है, यानी कि एंडेंजर्ड में नहीं है अभी, पूरा ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एक बार फिर से इसको रिवाइज करने का मौका मिलेगा। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम है कि भैया कंजर्वेशन करे, एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखे, बायोडाइवर्सिटी का रिकॉर्ड रखे, सब कुछ अच्छे से मैनेज करे। नेक्स्ट, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, साई, ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी। इंडियन आर्मी ने अपनी पर्सनल बात करने के लिए लॉन्च किया। देखो इंडियन आर्मी के लिए फोन बहुत टेंशन वाली चीज होते हैं, और आजकल तो हनी ट्रैप का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, हनी ट्रैप कर लेते हैं। तो आर्मी वालों के लिए एक अलग से ऐप होना बहुत आवश्यक था। सो साई यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एक मैसेजिंग ऐप, जो कि एक सिक्योर एप्लीकेशन ऐप है। ये सिंपल है, सिक्योर है, यानी कि ये एंड टू एंड सिक्योर वॉइस टेक्स्ट वीडियो कॉलिंग कर सकता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। इसे बनाया गया है कर्नल साई शंकर ऑफ इंडियन आर्मी, इसीलिए इसका नाम साई पड़ा है, ठीक है ना। ये हेल्प करेगा पूरी आर्मी को आपस में कनेक्ट करने की, तो यही इसका टारगेट है, ताकि बाहर वाले इसमें ना घुसे। नाउ किसान सूर्योदय योजना, किसान बहुत ज्यादा न्यूज में है, आज मोदी जी ने भी संबोधित किया था। उम्मीद करता हूँ कल के हिंदू में उसपे से कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे। हालांकि मैंने सुनी थी वो स्पीच थोड़ी बहुत, बट आई डोंट फाइंड एनीथिंग की लाइक कि उस पे यूपीएससी जैसा कुछ नहीं दिखा, तो मेरे को नहीं लगता कि हिंदू में अगर आया भी तो हमें पढ़ना होगा। ओके, नाउ किसान सूर्योदय योजना, ये लॉन्च किया पीएम द्वारा गुजरात में। इसका टारगेट है भैया डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर्स, यानी कि पूरे दिन किसानों को बत्ती पहुंचाई दे। ठीक है, हाँ जी मनीषा, हाँ जी मनीषा, पूछे क्या कहना है सर 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 ठीक है, फार्मर्स को इरिगेशन पहुंचाया जाए। देखो बिना लाइट के आप कैसे कनेक्ट करेंगे, बिना लाइट के आप कैसे उन्हें पहुंचाएंगे, सो ये एक बहुत जरूरी चीज है। और तो और, इस स्कीम के तहत सुबह 5 बजे से रात को 9 बजे तक लाइट पहुंचानी होगी। ठीक है, लाइट पहुंचानी होगी 5 AM to 9 PM तक। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, कि फार्मर्स को लाइट पहुंचाने की कोशिश कर रही जाएगी। और आज पीएम साहब ने इसका भी जिक्र किया अपनी स्पीच में। पीएम साहब ने 2014 से लेकर आज तक की डेट में किसानों के लिए जो भी किया है, सब किसानों को याद दिला दिया कि मैंने आपके लिए ये किया है और आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा ये कहना था, थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट ऐसा कुछ खास नहीं है, आई एम जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। ओके, किसान सूर्योदय योजना के बारे में आते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर 3500 करोड़ अलॉट करे गए हैं कि भैया इस स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करें 2023 तक। कौन कौन से शहर हैं, ये छोटे छोटे शहर हैं, इनके नाम आप याद ना भी रखें तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम फेज वाइज मैनर में बाकी राज्यों में भी, बाकी शहरों में भी ये कवर कराएंगे। नाउ हिमालयन बैर, बड़ा क्यूट सा ये भालू है, ये मेरे आगे पीछे कहीं दिख रहा होगा आपको, हिमालयन ब्राउन बैर।
ये क्या है भाई? इसे हिमालयन रेड बियर भी कहा जाता है, इसाबेल बियर भी कहा जाता है, डुजुते भी कहा जाता है, ठीक है। ये मिलता है हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू एंड कश्मीर में। लीस्ट कंसर्न है इसकी, कोई इतनी चिंता नहीं है, घूमती फिरता में कहीं भी मिल जाएगा। क्यूट सा है, अच्छा लगे तो घर उठा के ले जाना, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये भैया ये माना जाता है कि आज भी कि ये प्रेडिक्ट कर लेता है, ठीक है ना, ये प्रेडिक्ट कर लेता है कि भैया सुटेबल हैबिटेट कैसे, मतलब कुछ जानवर होते हैं ना जिनके इधर उधर जाने से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे होगा अनदर थिंग, ठीक है। स्टडी बताती है कि वेस्टर्न हिमालय में ज्यादा है, इनके अभी डिक्लाइन हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो हमें जरूरत है इनके लिए थोड़ा विचार द्वार कुछ करने की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया ने अभी इसकी चेयरमैनशिप अपने हाथ में ली, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा, ठीक है, इलेक्ट हुई चेयरपर्सन के तौर पे, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसमें बहुत है। ओके, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं तो ओनली ट्रिपेटाइट यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक लौती ट्रिपेटाइट है एजेंसी, यानी कि ये 3 जगह को साथ में लेकर आती है, गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, ठीक है, लेबर, सब लेवल पे एक तरह फोकस करती है, मैन एंड वुमेन पे फोकस करती है। इसे नोबेल प्राइज मिला था 1969 में, नोबेल प्राइज मिला था 1969 में। इंडिया इसके एक फाउंडिंग मेंबर में आता है, और इंडिया इसमें 1922 से है, ठीक है, और इंडिया के अंदर जो ऑफिस बना वो 1928 से, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी गवर्निंग बॉडी कैसी है, गवर्नेंस इसकी किस तरीके से होती है, देखो इसकी गवर्निंग बॉडी के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई गई है बड़े लेवल पे, जो साल में 3 साल में एक बार मिलती है, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। नाउ एक बड़ा खूबसूरत सा शेर, ठीक है, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड, 23 अक्टूबर को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कंजर्वेशन प्रोटेक्शन स्नो लियोपार्ड डे बनाया गया, ठीक है। स्नो लियोपार्ड को घोस्ट ऑफ द माउंटेन भी कहा जाता है, जितनी सुंदर इसकी तस्वीर है, डेफिनेटली दिस इज नॉट द घोस्ट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। ये कहा जाता है कि ये इंडिकेट करता है कि माउंटेन का इकोसिस्टम और हेल्थ कैसी है, यानी कि अगर ये खुश तो माउंटेन खुश, ये खुश नहीं तो माउंटेन खुश नहीं। सो इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड के बारे में और चीजें बताऊं, ये ऊंची जगहों पर रहता है, यानी कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद, और सेंट्रल और सदर्न एशिया में रहता है, ठीक है। हायर हिमालय, ट्रांस हिमालय लाइक JNK, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, हिमाचल, इन जगहों पे मिलता है, ठीक है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये हमारे जो देश में 5 बड़ी बड़ी कैट्स मिलती हैं, उनमें से एक ये भी है, लॉयन टाइगर, कॉमन लियोपार्ड, क्लाउडेड लियोपार्ड, ये चीज। ओके, स्नो लियोपार्ड कैपिटल मानी जाती है लद्दाख, यानी कि लद्दाख में बहुत बड़ी मात्रा में है। यहाँ पे एक पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जहाँ पे स्नो लियोपार्ड ज्यादा मिलते हैं। वल्नरेबल स्थिति है, अपेंडिक्स 1 है एंड शेड्यूल भी 1 है। ये डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं? देखो डिक्लाइन होने के पीछे कारण बहुत है, ठीक है, डिक्लाइन होने के पीछे कारण बहुत है। डिक्लाइन के पीछे पॉपुलेशन कम हो रही है, जिन्हें ये खाते हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, इलीगल पोचिंग हो रही है, ठीक है, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस एरिया में, तो जानवरों के लिए जगह नहीं है, जानवर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या सरकार ने किसी प्रकार से कोई एफर्ट करे हैं इनके लिए? आंसर इज यस, हिमल संरक्षण, ठीक है। ये क्या है? ये कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम है कि स्नो लियोपार्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, जो कि 23 अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया गया। एंड सिक्योर हिमालय, हिमालय की सुरक्षा, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी और यूनाइटेड नेशन मिलकर चला रहे हैं कि हिमालय की सुरक्षा करो, क्योंकि हिमालय सुरक्षित है तो वहां के जानवर भी सुरक्षित हैं। और क्या क्या है? प्रोजेक्ट लो स्नो लियोपार्ड, जो कि केवल और केवल इनके लिए चलाया गया, 2009 में चलाया गया था, इन्हें कंजर्व करने के लिए, इनकी पोचिंग वगैरह को रोकने के लिए। सो फाइनली 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 हमने अक्टूबर को खत्म किया आज, शुक्र है अक्टूबर के करंट खत्म तो हुए, ऐसा लग रहा था ये उम्मीद ही नहीं है इसे खत्म होने की। अभी ये खत्म होते ही, ठीक है, अभी ये खत्म होते ही आपके पास इसका PDF आने वाला है पूरा अक्टूबर का। इसे रिवाइज शुरू कर दीजिए, 29 ऑफ दिसंबर को मैं लेने वाला हूं आप लोगों का क्विज अक्टूबर के पूरे करंट्स का।
ओके, लास्ट में अगर कुछ अनाउंसमेंट दे दूं आपको, तो वो अनाउंसमेंट ये है गाइस कि कल सुबह जो 8 वाली क्लास है, 8:30 वाली, वो मैं नहीं लेने वाला। इसे मैं संडे को ऑर्गेनाइज करूंगा, और एथिक्स की क्लास होगी एज यूजुअल, ये नहीं होगी कल। या अगर कर सका तो इसे शाम को अरेंज कर दूंगा, ठीक है? इसे शाम को अरेंज कर दूंगा, बिकॉज राइट नाउ आई एम टेकिंग क्लास बट आई एम नॉट वेल। तो मैं इसे इस तरीके से मैनेज करूंगा कि कल मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। ओके गाइस, सो दिस इज योर कोड साहिल वन, यूज दिस एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि क्या करने वाले हो आप लोग? ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस, गुड नाइट, सी यू एट 12। कल हमारी पहली क्लास सुबह 12 बजे ही है, द हिंदू। सुबह मैं कल नहीं लेने वाला, इवन मैं ले सकता हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं सुबह कितना फिट हूँ, बट अभी अंदर से इतना टायर्ड हूँ कि मन नहीं कर रहा कि सुबह कोई क्लास लूँ, इसलिए उसे थोड़ा सा डिले कर दूंगा मैं, बट कल अगर हुआ तो कल ही ले लेंगे उसे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस।